जहां बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। हालांकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, आरएलडी, सुभासपा के नेता भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 11 बजे विधानसभा की इस कार्यवाही में शामिल होंगे। तो देखिए, आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष ने कल जोरदार हंगामा किया था और इसी हंगामे की तस्वीरों के बीच हमने देखा था कि कैसे 1 घंटे 4 मिनट की ये अभिभाषण को पूरा किया था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। 1 घंटे 10 मिनट का अभिभाषण जब उनका समाप्त हुआ, उसके बाद स्थगित भी करना पड़ा सदन की कार्यवाही को। लेकिन आज खबर मिल रही है कि आज भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल के अभिभाषण पर प्रतिक्रियाएं तो दे दी हैं नेताओं ने, आज उस पर चर्चा करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो पूरी तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है। लखनऊ से खबर है, सदन में महिला सुरक्षा का प्रश्न भी उठाएंगे अखिलेश यादव, ये जानकारी आ रही है। नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा में मांग करेंगे अखिलेश यादव। तो देखिए, प्रश्नकाल में अखिलेश यादव की ओर से जो सवाल होगा वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, ये हमें बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की कार्यवाही में अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर के सदन में सवाल उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा के दरमियान उनका ये सवाल हो सकता है और ये सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, ये बड़ी खबर आ रही है, आप तक बताएं। और जैसे ही कार्यवाही की तस्वीरें खबर आएंगी आपको बताएंगे ही, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों से कि नियम 56 के तहत जब चर्चा पर आएंगे अखिलेश यादव तो महिला सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न उठाएंगे, उनकी तरफ से ये प्रश्न होगा जहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो रहेंगे। अभी अभिभाषण पर चर्चा से उनको शुरुआत करनी है, उनको अपना पक्ष रखना है, उनके साथ साथ सहयोगी दलों की भी तरफ से आज इस पर चर्चा में उनके हिस्सा लेने की खबर तो है, ये प्रक्रिया है। लेकिन इसी बीच नियम 56 के तहत सरकार से चर्चा पर जवाब भी मांग सकते हैं, सदन में सुरक्षा, महिला सुरक्षा का सवाल उठा सकते हैं अखिलेश यादव। कल जिस तरीके की तस्वीरें आई, बैनर, पोस्टर, तख्तियों में एक बड़ा सवाल ये भी था, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे के अलावा महिला सुरक्षा। और आज जानकारी ये मिल रही है कि नियम 56 के तहत जब उन्हें सवाल करने का मौका मिलेगा तो वो चर्चा में जवाब मांगेंगे सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर के, माकूल क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस पर अभिभाषण में तो जिक्र हुआ लेकिन जमीनी स्तर पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, इसे लेकर के वो सवाल उठा सकते हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष की भूमिका में है, कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर उनकी मौजूदगी भी देखी गई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ साथ और स्पेसिफिक जाएंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे और इसी पर वो सवाल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव का रुख करते हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है कि आज किस तरीके की रूपरेखा होगी, अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी होगी। अनुभव, अनुभव आपकी आवाज नहीं स्पष्ट है, क्लियर नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। करहल से विधायक बने हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और अब जब उनको मौका मिलेगा तो वो किस मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल करेंगे जिसका जवाब और चर्चा जरूरी हो जाएगी। वो मुद्दा अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि महिला सुरक्षा से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अच्छी खासी रणनीति आज बहुत सारा फोकस होगा अखिलेश यादव पर भी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राम गोविंद चौधरी को तो हम देखते आए हैं योगी 1 में, लेकिन 2 में वो क्या सवाल करेंगे देखना होगा। तो विधानसभा की कार्यवाही के पहले दिन सदन में हंगामा की तस्वीरें आई, हमने आपको दिखाई, लेकिन हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हंगामा होता है तो काम कब होगा, क्योंकि इस बार सदन सिर्फ 6 दिन का है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में है तो कुछ सुधार आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। पूरे बजट पर विस्तार से चर्चा हो, जनता की बात उसमें आए, लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन इसी हंगामे के साथ शुरू हुआ और इसी हंगामे के साथ खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध शुरू कर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने करीब 70 मिनट तक इसी शोर के बीच अभिभाषण पढ़ा। प्रदेश में कुल
सरकार द्वारा रमाला मुंडेरवा तथा पिपराइच में नई चीनी मिलें स्थापित की गई है। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का निर्बाध रूप से संचालित किया गया है। जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनानी शुरू की, वैसे ही सपा के सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। सपा के सदस्यों के हाथ में तख्तियां प्ले कार्ड नजर आए जिन पर बेरोजगारी कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बजट सत्र 31 मई तक चलेगा जबकि 26 मई को बजट पेश होगा। बजट सत्र मात्र एक हफ्ते का होगा लेकिन जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ उससे सवाल बड़ा है कि क्या आगे भी ऐसे ही शोर मचेगा, और शोर होगा तो फिर काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार काम कब होगा। पहले दिन जिस तरीके का ट्रेलर देखा हमने सदन की कार्यवाही, योगी 2.0 की अग्नि परीक्षा जिसे कहा जा रहा था, वो वाकई अग्नि परीक्षा निकली। 1 घंटे 10 मिनट का अभिभाषण खत्म करना मुश्किल हो गया क्योंकि जितना हंगामा हो सकता था वो विपक्ष की ओर से होता देखा गया। हाथ में प्ले कार्ड थे और तख्तियां थी और उसी को लेकर के किस तरीके से वो वेल में आकर के शोर मचाते रहे, राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रही। लेकिन आज जब चर्चा होना है, नेता प्रतिपक्ष अपना पक्ष रखेंगे, साथ में सुबह कांग्रेस और आरएलडी की ओर से भी नेता आगे आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, ऐसे में हंगामे के आसार और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आज भी हंगामा होगा, लेकिन हंगामा होगा तो काम कब होगा, बड़ा सवाल है ना, क्योंकि 6 ही दिन का ये पूरा सत्र है, 26 मई को बजट आना है। ऐसे में पहले दिन की तस्वीरें हमने देखी और निगाहें आज 11 बजे टिकी है जब दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। तो देखिए आज की कार्यवाही का एक अहम हिस्सा होगा राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, पक्ष रखेंगे विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। लखनऊ से खबर है जहां आजम खान अपने सरकारी आवास पर ही मौजूद हैं। बड़ी खबर है ये, फिलहाल आवास पर ही आराम कर रहे हैं आजम खान, और आजम के सदन के कार्यवाही में शामिल होने पर फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार है। अब्दुल्ला आजम के सदन की कार्यवाही में शामिल होने की खबर आ रही है लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी स्पष्टता नहीं है क्योंकि आजम जवाब दे ही नहीं रहे हैं, आजम किसी को अपनी रणनीति बता ही नहीं रहे। फिलहाल तो ये बड़ी खबर है कि वो लखनऊ में सरकारी आवास पर ही मौजूद है, और वो कार्यवाही में शामिल होंगे कि नहीं संशय की स्थिति है। लेकिन एबीपी गंगा की नजर लगातार बनी है और हमने अब तक ये जानकारी अब पहुंचा दी है, खोज निकाला है कि वो अपने सरकारी आवास पर मौजूद है, आराम कर रहे हैं, और आज अब्दुल्ला आजम तो कार्यवाही में शामिल होंगे। आजम के सदन में शामिल होने की खबर पुख्ता नहीं है, अभी संशय की स्थिति है, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। शपथ उन्होंने ले लिया है, वो एलिजिबल है कार्यवाही में शामिल होने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य या फिर कोई और वजह, जो भी हो वो शामिल होंगे कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है। तो देखिए लगातार सवाल किया जा रहा था कहां है आजम, रामपुर में मीटिंग कर रहे हैं या फिर लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि लखनऊ के सरकारी आवास पर है। आगे बढ़े, बात करें यूपी भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का जो पैनल है उस पर मोहर लग गई है। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें नरेश अग्रवाल का नाम राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। वही बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत का नाम सामने आ रहा है, वो भी राज्यसभा जा सकती है, चर्चा ऐसी चल रही है। इसके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वो भी शामिल हो सकते हैं, ये भी बड़ी खबर है। तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक में नामों का जो पैनल था उस पर मुहर लगने की खबर आ रही है। अब सूत्रों से हमारे पास नाम जो आए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, ये बेहद अहम है, और कुल 11 सीटें हैं, उनमें से कुछ बड़े नाम आपके सामने रखे हैं। नरेश अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीनियर नेता, प्रदेश महामंत्री महिला प्रियंका रावत, ये तीन नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये तीन नाम बड़े नाम हैं, इनकी चर्चा चल रही है, मुहर भी लग जाएगी बहुत जल्द क्योंकि कल जो पैनल भेजा गया था आला कमान के पास, केंद्र के पास, खबर ये आ रही है कि उस पर मुहर लग चुकी। इसके अलावा जो सदस्य अभी हैं उन्हीं का नाम दोबारा भेजा जा सकता है ताकि उनका चयन हो सके।
तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी उत्तराखंड से कुल 12 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें आप जिक्र करें यूपी का तो 11 सीटें हैं, उत्तराखंड से एक सीट है। इन सभी सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं और इसके लिए आज नामांकन शुरू हो जाएगा। समझिए, चुनाव के लिए आज से ही अधिसूचना जारी होगी और 31 मई आखिरी तारीख होगी जब नाम वापस लिया जा सकता है। ये भी जान लीजिए कि अभी तक सपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा अगर देश की बात करें तो देश भर में राज्यसभा की कुल 57 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है। इसके लिए आज यानी 24 से 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। ऐसे में 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 3 जून तक नाम वापसी हो सकेंगे और 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसी शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी और नतीजे आएंगे। तो देखिए, राज्यसभा को लेकर की ये बड़ी अपडेट है। पूरे देश से 57 सीट्स हैं जो खाली हो रही हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 11 सीटों का है। कुल 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है राज्यसभा में सीटों के मामले में और 11 सीटें यहाँ खाली हो रही हैं। एक सीट खाली हो रही है और उत्तराखंड से भी एक सीट खाली हो रही है। लेकिन चलिए डिटेल समझते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा हिस्सा है तो यहाँ पर नाम को लेकर के मंथन भी बहुत बड़ा है। हमारे सहयोगी अनुभव का रुख करेंगे, उनके पास जानकारी होगी। अनुभव, किस किस का नाम सामने आ रहा है, चर्चा किसकी चल रही है? बिल्कुल, आज से ही अधिसूचना जारी हुई है। उत्तर प्रदेश में 11 सीटें हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है और आज से ही अधिसूचना जारी हुई, यानी यहाँ से नामांकन कर सकते हैं और 31 तारीख तक ये नामांकन की तारीख है। कल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो ये लोग बैठे थे और जो नामों का जो पैनल बना उनमें जो अभी तक 5 लोग हैं यानी जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें शिवप्रताप शुक्ला भी हैं, जयप्रकाश निषाद भी हैं, संजय सेठ भी हैं और इसके अलावा सुरेंद्र नागर भी हैं। इन लोगों के नामों पर तो कहा जा रहा है कि पैनल ने सहमति दी है और इसके अलावा 3 और नाम है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है क्योंकि 2022 में जो जीत मिली उसमें जो आपके ये सदस्यता अभियान उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मान रहे हैं। नरेश अग्रवाल कहा जा रहा है कि पार्टी को ये लग रहा है कि वैश्य समाज को साथ लाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, उनका भी नाम है। और प्रियंका रावत बाराबंकी की सांसद थी, इस समय प्रदेश महामंत्री, उनका भी नाम है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी देखिए 11 में से 8 सीटें जीत सकती है और इनमें 4 नाम तो यहाँ जो पैनल भेजेगा उनमें से कोई होगा और 4 नाम तरफ से आएंगे दूसरे राज्य के जो लीडर है तभी मौका मिले। पर ये फाइनल तो आला कमान को ही करना है यानी दिल्ली को ही करना है और यहाँ से जो कोर कमेटी ने नाम भेजे उस पर डिस्कशन होगा और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर नाम फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, देखिए सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर तमाम समीकरण होंगे, कई बिंदु होंगे जो इस पैनल में रिफ्लेक्ट करने चाहिए, प्रतिबिंबित होने चाहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के फैसला हो जाएगा जब आला कमान का, तो वो नाम भी हम सामने रखेंगे। हमारे सहयोगी अनुभव का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए समझ लें कि क्या है कुल जमा जोड़ गणित। बीजेपी के 5 सदस्य हैं जो कि अपने जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें नाम आता है शिवप्रताप शुक्ला का और जयप्रकाश निषाद, संजय सेठ, जफरुल इस्लाम और सुरेंद्र सिंह नागर, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सपा की अगर आप बात करेंगे तो 3 सदस्य हैं, रेवती रमण सिंह, सुखराम सिंह यादव, विशंबर प्रसाद निषाद। बीएसपी के 2 सदस्यों की भी कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं जिनमें नाम है सतीश चंद्र मिश्रा का और अशोक सिद्धार्थ का। कांग्रेस के 1 सदस्य की भी सदस्यता कार्यकाल समाप्त हो रहा है राज्यसभा में, जहां पे कपिल सिब्बल हैं, इनका नाम सामने आ रहा है। और उत्तराखंड में कांग्रेस के जो प्रदीप टमटा है उनका नाम भी है जिनके कार्यकाल समाप्ति की ओर है और बीजेपी के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है अगर उत्तराखंड की आप बात करते हैं। और दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य के बाद अब उरई जालौन के संत हैं मत्स्येंद्र गोस्वामी, वो भी इस विवाद में सामने आ गए हैं। उन्होंने ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मुगलिया इमारतों को साफ सुथरी जगह और मंदिरों की तस्वीर को शौचालय के पास लगाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मथुरा वृंदावन के मंदिरों की तस्वीर को शौचालय के पास लगा देख आपत्ति जता दी है। इसके बाद उन्होंने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन की धमकी दी है। ताजमहल घूमने आया था तो मुझे यहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति शौचालय के बाहर लगा रखी है इन्होंने,
तो दिल हमारा बड़ा आहत हुआ। ये मूर्ति अगर नहीं हटेगी तो मैं सुबह कल सुबह 10 बजे ताजमहल के सामने आमरण अनशन करूंगा। और ये हमारे जो वहाँ पे जितने भी मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति हाथे के अंदर लगी हुई है उस म्यूजियम को हम बाहर करवाने के लिए आमरण अनशन करेंगे। ये जालौन उरई जालौन से संत हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और हमारे सहयोगी नितिन से ज्यादा डिटेल लेते हैं। नितिन, कौन है ये संत और इस तरीके की बात कर रहे हैं और प्रशासन की क्या तैयारी है अगर ये अनशन पर बैठी गए तो? अब देखिए, ये कोई पेंडू संत है नक्षेन्द्र गोस्वामी जो रविवार को ताजमहल विजिट करने पहुंचे थे। तो ताजमहल में जब वो अंदर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि रॉयल गेट के पश्चिम की साइड में एक फोटो गैलरी बनी हुई है और जिसमें उन्होंने देखा कि तमाम जो कहा जाए हिंदू धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो फोटोग्राफ्स हैं जो बड़े कैनवास पर वहाँ लगाए गए हैं वो टॉयलेट के नजदीक है। इसका उन्होंने विरोध किया है और उनकी बहस भी है, कई अधिकारियों से हुई है। वीडियो हमारे पास जो उन्होंने भेजे हैं और उसमें उन्होंने ये धमकी दी है कि हम इसके लेकर आमरण अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ तमाम जो कलाकृतियां जो तख्तों पर नक्काशी बनी हुई है उसमें स्वास्तिक जैसे चिन्ह नजर आ रहे हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में कहा जाए एक प्रतीक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू माइथोलॉजी से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। परम हंसाचार के बाद एक और भगवादारी ने कहीं ना कहीं ताजमहल को विवादों में घसीटने की कोशिश की है। परम हंसाचार ने भी अब हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर दिया और 26 तारीख को इसकी डिवीजन बेंच में सुनवाई है कि उनको ताजमहल में अनुमति दी जाए। तो अब इन्होंने कहा है कि वो कल के लिए उन्होंने कहा है, पिछली बार कोर्ट का रुख तो बहुत सख्त था कि जाएं पहले पढ़ाई करें और इस तरीके के हिदायत दी गई थी, लेकिन अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या होता है। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। बहराइच में आई खबर का रुख करते हैं जहां विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में वाद विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही लात घूसे चलते रहे। देखिए जरा, यहाँ पुलिस खड़ी है और ये लोग आपस में गुत्थम गुत्था पीट रहे हैं एक दूसरे को। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस के सामने ही एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। मतलब पुलिस भी आई है लेकिन फिर भी लगता है कि मामला नहीं है और पूरी पिटाई हो रही है, एक दूसरे को पीट रहे हैं। पुलिस भी उसी में मौजूद है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी हैं।